बिग बाजार इंडिया की एक ऐसी हाइपरमार्केट चेन जहां स्टेशनरी से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ मिलता था। कस्टमर की नीड चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार बिग बाजार में घुसने के बाद उसे फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, कुछ साल पहले तक इंडिया के करीब 120 शहरों में बिग बाजार के 300 से ज्यादा स्टोर्स मौजूद थे और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइपरमार्केट चेन हुआ करता था। लेकिन आज की अगर बात करें तो ये कंपनी कर्ज में डूबकर बर्बाद हो चुकी है और आज इसकी कंडीशन ये है कि अपने सारे एसेट्स बेचने के बाद भी ये अपना कर्ज नहीं चुका पा रही। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी और सक्सेसफुल रिटेल चेन होने के बावजूद भी बिग बाजार आखिर फेल क्यों हुआ और ऐसी क्या वजह थी कि रिलायंस ने अपने एम्प्लॉयज भेजकर बिग बाजार के स्टोर्स को कैप्चर कर लिया। दोस्तों, इन सारी चीजों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करते हैं कि बिग बाजार का शुरुआत हुआ कैसे और कैसे ये इंडिया का बिगेस्ट हाइपरमार्केट चेन बना। वैसे तो किशोर बियानी जी ने बिग बाजार को फाउंड किया था साल 2001 में, लेकिन बिग बाजार को शुरू करने का इरादा उन्होंने करीब 25 साल पहले ही बना लिया था। दरअसल कॉलेज के दिनों में एक बार वो मुंबई के मॉल में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि मॉल में बड़े बड़े काउंटर्स लगे थे और सेल्समैन वहाँ कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तक सब कुछ एक ही जगह पर सेल कर रहे थे। ये नज़ारा देखकर उन्होंने ये ठान लिया कि एक दिन वो लोगों को शॉपिंग का इससे बेहतर अल्टरनेटिव देंगे। अब दोस्तों, किशोर जी कोई रईस फैमिली से तो थे नहीं, इसलिए 80s के दौरान उन्होंने अपने बिजनेस जर्नी को एक बहुत ही छोटे लेवल से शुरू किया जहां वो लोगों को जींस बेचने लगे। इस काम में जब उन्हें प्रॉफिट होने लगा तो उस पैसों से उन्होंने WBB नाम का एक स्टोर ओपन करके ट्राउजर्स का फैब्रिक सेल करने लगे। इसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि इंडिया में रेडीमेड कपड़ों का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है तो उन्होंने पतलून के नाम से रेडीमेड गारमेंट्स का एक नया स्टोर ओपन कर दिया। अब दोस्तों, किशोर जी का ये छोटा सा बिजनेस वैसे तो ठीक चल रहा था, लेकिन उनकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो एक टेक्सटाइल एक्सपो में शामिल होने के लिए पेरिस चले गए। दरअसल एक दिन वो पेरिस के एक मॉल में घूम रहे थे तो उनकी नजर मार्क्स एंड स्पेंसर ब्रांड के एक स्टोर पर पड़ी जिसके इंटीरियर और एम्बियंस ने उन्हें काफी प्रभावित किया था। उसे देखते ही उन्होंने ये मन बना लिया था कि वैसा ही फैशन स्टोर वो इंडिया में भी ओपन करेंगे। इसलिए पेरिस से लौटते ही साल 1987 में उन्होंने मेन्स वियर नाम की एक नई कंपनी शुरू की और MNS जैसे फैशन स्टोर पर काम करने लगे। इस तरह दोस्तों, मुंबई के अंदर एक न्यू इंडियन फैशन ब्रांड की शुरुआत हुई जिसका नाम बाद में मेन्स वियर से बदलकर पेंटालूंस रख दिया गया। दोस्तों, अपनी जबरदस्त प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केटिंग और शानदार कस्टमर एक्सपीरियंस की वजह से ये ब्रांड लॉन्च होते ही सक्सेसफुल हो गया था। अब किशोर जी इस सफलता को सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो फ्रेंचाइजी मॉडल का यूज करके पेंटालून के बिजनेस को एक्सपेंड करने लगे जहां उन्होंने पेंटालून्स का पहला फ्रेंचाइजी स्टोर 1991 में गोवा के अंदर खोला और देखते ही देखते ये फैशन ब्रांड पूरे भारत में फैल गया। दोस्तों, पेंटालून्स के अलावा किशोर जी ने बेयर नेसेसिटीज व जॉन मिलर जैसे और भी कई फैशन ब्रांड शुरू किए और अपने अपने सेगमेंट में उनके ये सारे बिजनेस काफी सक्सेसफुल रहे। अब दोस्तों, देखा जाए तो किशोर जी ने ऑलरेडी एक काफी बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया था, लेकिन उनके लिए ये केवल शुरुआत था। दोस्तों, किशोर जी सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि आटा, दाल, चीनी, चावल जैसी चीजों से लेकर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तक लोगों के जरूरत की हर एक चीज को बेचना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि वो इस बिजनेस आइडिया को हकीकत में कैसे बदलें। और तभी सितंबर 2000 के दौरान उन्होंने चेन्नई के अंदर सर्वन स्टोर्स नाम का एक स्टोर देखा जिसमें बहुत सारी चीजें एक ही स्टोर के अंदर बेची जा रही थी। इसे देखते ही वो समझ गए कि आगे अब उन्हें करना क्या है और वापस लौटकर उन्होंने बिग बाजार के मॉडल पर काम शुरू कर दिया। इस तरह दोस्तों, साल 2001 में कोलकाता के अंदर बिग बाजार का पहला स्टोर ओपन हुआ और उसके कुछ दिनों बाद इसका दूसरा स्टोर हैदराबाद में और तीसरा स्टोर बैंगलोर में खुला। दोस्तों, इंडियंस के लिए उस वक्त बिग बाजार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, लेकिन इसमें लोगों को जो ऑफर्स और फैसिलिटीज मिल रही थी उससे लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि किशोर जी ने स्टोर्स की लोकेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी और स्टोर्स के आर्किटेक्चर जैसी चीजों पर बहुत ही बारीकी से काम किया था। साथ ही लोगों के माइंडसेट को समझकर उन्होंने एक ऐसा बैलेंस्ड मॉडल क्रिएट किया था जो पूरे इंडिया में हर एक स्टेट के अंदर चल सकता था। साथ ही वो स्टार्टिंग में ही लोगों को बड़े बड़े ऑफर्स और स्कीम दे रहे थे जिसके लालच में आकर लोग अपनी जरूरत की हर एक चीज बिग बाजार से ही खरीदने लगे। इस तरह दोस्तों, इन जबरदस्त स्ट्रेटजीज के दम पर बिग बाजार तेजी से ग्रो करता गया और सिर्फ कुछ ही सालों में ये इंडियन रिटेल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल हाइपरमार्केट चेन बन गया। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर बिग बाजार में सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा था तो फिर ये फेल क्यों हुआ। वैसे दोस्तों, बिग बाजार के बर्बाद होने के पीछे कई सारे रीजंस थे, लेकिन उन सभी में सबसे बड़ा रीजन था किशोर जी का बिना सोचे समझे बड़े बड़े लोन्स लेना।
दोस्तों किशोर जी खुद के पैसों से नहीं बल्कि मार्केट से लोन्स लेकर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे थे। लेकिन सबसे पहला झटका उन्हें तब लगा जब 2008 में ग्लोबल रिसेशन आने पर उनके कई सारे बिजनेस फेल हो गए और जो लोन उन्होंने ले रखा था वो डिफॉल्ट होने लगे। इसके अलावा दोस्तों किशोर जी ने इंश्योरेंस और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उन्हें यहाँ भी करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों इन लॉसेस की वजह से 2012 में कंपनी 8000 करोड़ रुपए के डेब्ट में चली गई थी और हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि डेब्ट को कम करने के लिए उन्हें अपना पेंटालोन्स का बिजनेस बेचना पड़ गया, जहां आदित्य बिरला ग्रुप ने 1600 करोड़ रुपए के बदले में इसके 50.01% स्टेक्स एक्वायर कर लिए। दोस्तों अब यहां तक देखें तो बिजनेस को वापस ट्रैक पर लाया जा सकता था, लेकिन किशोर जी ने फिर से लोन के दम पर नीलगिरी, इजीडे, हेरिटेज फ्रेश और हाइपर सिटी जैसे कई सारे सुपरमार्केट चैन को एक्वायर करने लगे। उन्हें लगता था कि इस तरह बिजनेस को एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई करके वो इस खराब सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनका ये डिसीजन पूरी तरह उल्टा साबित हुआ, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज एक्वायर करने से 2019 में उनका डेब्ट बढ़कर करीब 12,800 करोड़ पे पहुंच गया। अब दोस्तों कंपनी तो पहले से ही कर्ज में थी कि तभी बाकी की कसर 2020 में कोविड ने पूरी कर दी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बिग बाजार के स्टोर्स एक लंबे अरसे के लिए बंद हो गए थे और इससे कंपनी को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि इसके बिकने की ही नौबत आ गई। दोस्तों अगस्त 2020 में बिग बाजार की पैरेंट कंपनी फ्यूचर ग्रुप ने ये अनाउंस किया कि वो 24,713 करोड़ रुपए में बिग बाजार और लॉजिस्टिक असेट्स रिलायंस रिटेल को सेल कर रहे हैं। अब दोस्तों फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच अगर ये डील क्रैक हो जाती तो बिग बाजार की स्टोरी आज खत्म हो चुकी होती, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इस डील के बीच में अमेज़न आ गया, और ना सिर्फ बीच में आया बल्कि सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर SIAC के पास पहुंच गया। दोस्तों अमेज़न का कहना था कि फ्यूचर ग्रुप और अमेज़न के बीच 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके अकॉर्डिंग फ्यूचर ग्रुप अपने रिटेल बिजनेस को अमेज़न से पूछे बिना नहीं बेच सकता। अब दोस्तों अमेज़न का ये आर्गुमेंट सुनने के बाद SIAC ने सुनवाई पूरी होने तक इस डील को होल्ड कर दिया। इसके बाद फ्यूचर ग्रुप इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। दोस्तों मैटर ये था कि 2019 के दौरान अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप के बीच में एक डील हुई थी, जहां अमेज़न ने 2000 करोड़ रुपए के बदले में फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कूपन्स के 49% शेयर को खरीद लिया था। अब क्योंकि बिग बाजार की पैरेंट कंपनी मतलब फ्यूचर रिटेल का 7.3% शेयर फ्यूचर कूपन्स के पास था, तो ऐसे में बिग बाजार का करीब 3.5% शेयर इनडायरेक्टली अमेज़न के पास आ गया। अब अमेज़न का कहना था कि उनके और फ्यूचर ग्रुप के बीच 2019 में राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग फ्यूचर रिटेल को बेचने से पहले उन्हें अमेज़न से पूछना होगा। दोस्तों ये पूरा मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में सामने आया तो वहाँ भी वही फैसला सुनाया गया जो सिंगापुर के SIAC ने दिया था, यानी सुनवाई पूरी होने तक डील को होल्ड कर दिया। अब दोस्तों रिलायंस को ये विश्वास था कि फैसला उसी के पक्ष में आने वाला है, और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उसने फरवरी 2022 के दौरान बिग बाजार के स्टोर्स पर रिलायंस रिटेल के बोर्ड लगवा दिए। यहाँ तक कि दोस्तों रिलायंस ने बिग बाजार के एम्प्लॉयज को ये तक कह दिया था कि अब से ये स्टोर रिलायंस के हैं और अगर वो अपने काम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिलायंस की उम्मीदों को झटका तब लगा जब फ्यूचर ग्रुप के सिक्योर क्रेडिटर्स ने ये डील करने से इनकार कर दिया। अब ये सब आखिर हुआ कैसे, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये सिक्योर क्रेडिटर्स होते क्या हैं। दोस्तों जब भी कोई कंपनी लोन लेती है तो उस लोन को देने वाले लेंडर्स उस कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, और क्रेडिटर्स दो तरह के होते हैं, पहला सिक्योर्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड। दोनों में फर्क ये है कि सिर्फ सिक्योर क्रेडिटर्स के पास ये पावर होती है कि वो कंपनी को बिकने से रोक सकते हैं, और ऐसा ही केस यहाँ भी हुआ जहाँ फ्यूचर ग्रुप के 70% सिक्योर क्रेडिटर्स ने इस डील के अगेंस्ट वोट कर दिया। दोस्तों इसका एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि रिलायंस इस डील में जो अमाउंट ऑफर कर रहा था उसमें शायद उन क्रेडिटर्स के डेप्थ की पूरी रिकवरी नहीं हो रही होगी। खैर वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन रिलायंस को ना चाहते हुए भी ये डील कैंसिल करनी पड़ी। अब आगे बिग बाजार का फ्यूचर क्या होने वाला है इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है।